राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। 14 साल से परेशान है आवेदक, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला न्याय। सीधी जिले के पश्चिमेंतर तहसील रामपुर नेकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपराव का एक व्यक्ति अपनी व्यथा बताई कि मैं लगातार 14 साल से व्यवहार न्यायालय में केस लड़ा, जीतने के बाद बंटवारा तहसील न्यायालय रामपुर नेकिन में लगाया, जिसमें पटवारी गलत तरीके से पुली बनाकर पेश किया है। वही उपस्थित संतोष द्विवेदी वकील द्वारा बताया गया बहुत कुछ कमियां हैं, आप वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं ग्राम पिपराव थाना रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मामला ये है कि पिपराव में मेरी 4.19 हेक्टेयर आराजी पौने 11 एकड़ के आसपास की आराजी है, जिसमें जो है तो माननीय मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब के यहाँ से ये फैसला आया था कि जहाँ जहाँ आराजी है सभी जगह आप लोगों को, आपके पिताजी लोग तीन भाई थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवार उनके बच्चों को 1/3 के अनुपात से बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, जिसका जहां कब्जा है उसकी सुविधा के अनुसार मिलेगा। इसमें जो काफ़ी समय से पदस्थ हल्का पटवारी राकेश प्रजापति हैं, ये विपक्ष पार्टी के साथ जो मुकदमा हार चुके हैं, डॉक्टर अनुराग तिवारी रीवा में प्रोफेसर हैं और उनके कॉलेज में प्रोफेसर, ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हैं और इनका नाम डॉक्टर अनुराग तिवारी है, सरोज तिवारी और उनकी पुत्रियों के द्वारा मुझे जो है तो प्रताड़ित भी किया जा रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए जालसाजी भी काफ़ी समय से वो कर रहे हैं। तो इसमें अनुराग तिवारी के द्वारा जो है तो बंटवारा आवेदन किया गया और बंटवारा आवेदन में राकेश प्रजापति जी मौके पर आते हैं, मगर किसान के सामने, मेरे सामने ना तो बंटवारा करते हैं ना मुझे बताते हैं कि आपका हिस्सा कहाँ है, और सभी बेहतर ज़मीन तत्काल प्रशासनिक दबाव में या अन्य किसी के दबाव में आकर के वो ज़मीन जो है डॉक्टर अनुराग तिवारी और सरोज तिवारी और विद्यासागर के नाम तत्काल वो चढ़ा देते हैं। ऐसे में जो मेरा पैतृक मकान है जो 324, 26 और 327 के बीच हाई स्कूल पिपराव के सामने है, इसको 1/2 कर दिया उन लोगों ने, और जो मझोला बांध है पिपराव का उसको जो है जहाँ हम खेती पहले करते थे और अभी भी कर रहे हैं, पहले भी काबिज थे और अभी भी हैं, और हमारा मकान उसको अनुराग तिवारी ने ले लिया। ऐसे में हम बेघर हैं। हम माननीय न्यायालय SDM साहब के यहाँ आए, अपील हुई, उसमें स्थगन हुआ कि भाई अभी तब तक, और ये बेचने में आमादा हैं और कॉलेज के छात्रों का इस्तेमाल करके उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य को बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं अनुराग तिवारी जी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी मुकदमे में फंस जाएं और हम ज़मीन कब्जा कर लें। आदरणीय कलेक्टर साहब से न्याय की गुहार मानते हैं कि एक बार जाँच करा लीजिए, हमारे सभी दस्तावेजों को देखिए और किसी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी की एक टीम बना करके आप जाँच करवा लीजिए, उसके बाद आप न्याय कर लिए। तो इस संबंध में SDM साहब के यहाँ से जो हमें स्टे मिला उस पर भी त्वरित सुनवाई मिलने लगी और हमारे वकील को बिल्कुल अवसर नहीं दिया जा रहा। यहाँ जो है तो हम पहली बार सुने कि इतना जल्दी किसी स्थगन आदेश पर तत्काल सुनवाई होने लगी, किस दबाव में है प्रशासन और हमारी ज़मीन। हम सिर्फ प्रशासन से इतना अनुरोध करते हैं कि आप किसी सक्षम अधिकारी को भेज करके और हमारे पूरे दस्तावेजों को एक बार आप देखिए। मैं कमिश्नर साहब के पास भी रीवा गया, मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया और इस पर जांच चल रही है, तो आप एक बार किसी सक्षम अधिकारी को भेजिए कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ खेती करता है, और मनमाने तरीके से आप डिसीजन आनन फानन में किसी के दबाव में मत करिए। ऐसे में अन्य लोगों का या हमारा जो है अनहित हो रहा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। तो आपको कितने दिन में फाइनल रिजल्ट हो गया? ये तो हमारा करीब लगभग 10 साल चला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से और जज साहब के यहाँ से क्या हुआ? मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से ये फैसला आया था कि 4.19 हेक्टेयर में जो ज़मीन की आराजी रकबा 7 है, सभी जगह 1/3 का बंटवारा होगा। हमारे पिताजी तीन भाई थे और तीनों भाई वर्तमान में एक्सपायर हो गए हैं और तीनों भाइयों के एक एक पुत्र हैं, जिसमें जो हमारे बड़े भाई हैं वो दबाव बना करके, प्रशासन पर दबाव बनवा करके, गलत पुल्ली बनवा करके और गलत नक्शा तरमीन करा करके आरआई से, और हमारे हिस्से की जो कब्जा है, जो मकान है, उसको तत्काल उन्होंने अपने नाम करा लिया और तुरंत आनन फानन में बेचने में आमादा हो गए। इसमें तहसीलदार साहब को मैंने कई बार बताया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार रहे। न्यायालय का मामला तो अलग है साहब, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे सामने बंटवारा पुल्ली नहीं बनाई गई, पटवारी वहाँ से फरार हो गया, किसान के सामने उसने बंटवारा नहीं किया, किसान को बताया नहीं किसकी आराजी कहाँ पर है, और जब मैं आपसे मौखिक रूप से डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तब आप आँख मूंद रहे हैं और आप नियम का हवाला दे रहे हैं,
तो अगर हमारे जैसे लोगों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो अनपढ़ लोगों के साथ आप क्या कर रहे होंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। और मैं पहली बार ऐसा तहसीलदार देखा कि इस तरह से उन्होंने मतलब सुना नहीं और न्यायालय अदालत के आदेश की अवहेलना की, कोर्ट के आदेश तक को उन्होंने नहीं पढ़ा। एसडीएम कोर्ट में कितने पेशी गए तो आपका? एसडीएम कोर्ट में मेरी कल पहली पेशी थी और पहली पेशी में जो यहाँ का कारनामा था उसमें जो वहाँ के बाबू थे वो फाइल तक को नहीं दिखा रहे थे, जो उनके जो भी कर्मचारी हैं वो छिपा रहे थे, जो हमारे वकील हैं उन वकील साहब को वो फाइल नहीं मिल रही थी। और ये पहला उन्होंने कहा, ये रखा कि ये पहला अवसर है, वकील को पूरा टाइम मिलता है जवाब देने का, उनको कॉपी उपलब्ध कराई जाती है, फिर वो जवाब देंगे। स्टे तत्काल स्थगन को काटने में आपको किस प्रेशर पर है? माननीय एसडीएम साहब ने दो दिन यानी कल तक, शुक्रवार तक का शायद मौका दिया है और वो मुझे लगता है कन्फर्म है कि मैं वहाँ से हार जाऊँगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी, ग्राम पिपराव, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी मध्य प्रदेश। और सर आपका क्या नाम है? और जैसा कि पिपराव में अनुराग तिवारी, राजेंद्र तिवारी या और अन्य व्यक्ति जो हैं उस संदर्भ में क्या मामला है ये बताने के लिए? मेरा नाम संतोष द्विवेदी, एडवोकेट है, ग्राम पिपराव, तहसील रामपुर नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन के निवासी अमित तिवारी, राजकुमारी तिवारी और अशोक तिवारी द्वारा मेरे समक्ष जो है एक व्यवहार बाद वर्ष 2014 में लाया गया था। उनकी कुल आराजियातें 4 हेक्टेयर होनी सारी थी। उन आराजियातों के संबंध में व्यवहार बाद विचारण के पश्चात 1/3 के अनुपात जो है न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई। उस डिक्री के विरुद्ध स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद के पुत्र अनुराग तिवारी और उनकी पत्नी आशा तिवारी द्वारा द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष अपील की गई। वो अपील जो है उनकी निरस्त कर दी गई और निरस्त करने के बाद आदेश यथावत रखा गया व्यवहार न्यायालय का। तत्पश्चात व्यवहार न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया और तत्पश्चात उनके द्वारा जो है तहसीलदार रामपुर नैकिन के समक्ष उन अराजियातों के संबंध में बंटवारा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। बंटवारा आवेदन पत्र के दौरान ही अशोक कुमार की मृत्यु हो जाती है और अशोक की बच्चियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता। सिविल न्यायालय द्वारा राजेंद्र तिवारी की पुत्री वर्षा, जो कि सिविल न्यायालय में पक्षकार थी, उसे भी तहसील न्यायालय में नहीं समायोजित किया जाता। और सिविल न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि सभी आराजियातों पर 1/3 के अनुपात में विभाजन होगा, किंतु तहसीलदार द्वारा जो है अपने मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी से विभाजन पुल्ली आनन फानन में मंगा करके दिनांक 31/7/2024 को जो है विधि विरुद्ध तरीके से आदेश पारित कर जहां पर अमित का कब्जा है वहां पर इन्हें ना तो जमीन दी गई, लेकिन हिस्सा 1/3 दिया गया, ये बात सत्य है, और ना ही सभी आराजियातों पर दिया गया। इस तरह से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, जबकि विधि में यह व्यवस्था है कि सिविल न्यायालय का प्रत्येक आदेश जो है राजस्व न्यायालय मानने के लिए बाध्य है, किंतु ऐसी कौन सी बात थी कि मेरे आपत्ति लगाने पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने आदेश में लिखा है कि कोई दस्तावेज न्यायालय का प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे द्वारा अशोक की पुत्रियों को पक्षकार बनाए जाने और सभी बातें जो है लिख करके कोर्ट का आर्डर सहित आपत्ति प्रस्तुत की गई, लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। और आज इस व्यक्ति के समक्ष जो है रहने के लिए भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यही इन लोगों का मामला था, जबकि उन्हें जो है पूर्ण रूपेण सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना चाहिए, ऐसा ना करके उन्होंने विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।